समावर्ती, इसको क्या बोलते हैं? लघुतम समावर्ती, लघुतम समावर्ती। देखो ऐसे में कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसे का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, क्या होता है? सबसे बड़ा। और सबसे छोटा और हाईएस्ट का मतलब क्या? सबसे छोटा होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? गुणनफल। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणन। क्या होता है? गुणन। देखो अपन देखते हैं, पहले एग्जांपल अपने पास चौबीस एक्स स्क्वायर वाई जेड और दे रखा है सत्ताईस एक्स की पावर चार वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। देख पहले अपन लेते हैं चौबीस एक्स स्क्वायर वाई जेड से, तो चौबीस दे रखा है, अपन चौबीस क्या करेंगे? गुणनखंड। क्या निकालेंगे? गुणनखंड। देखो गुणनखंड विधि से कोई करेगा बाद में, गुणनखंड विधि से चौबीस है। देखो चौबीस में दो का भाग कितनी बार जाएगा? बारह बार। बारह में दो का भाग कितनी बार जाएगा? छह बार। छह में दो का कितनी बार? तीन बार। और तीन में कितना है? एक। कितनी बार है? एक बार। तो चौबीस के गुणनखंड हो गए दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन, दो दूनी चार, क्या आ गई आठ, कितना आठ कितना हो गया? देखो दो दिन चार, चार कितना आठ, तो आठ कितना हो? चौबीस हो गया। इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड चला देगा सत्ताईस, एक्स की पावर चार वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। जो सत्ताईस देगा वही से निकलेगा, बाद में अपन विधि से निकालेंगे। देखो अपन अभी देख रहे हैं, बाद में अपन क्या करेंगे, इसको सीधा लिखेंगे। देखो गुणन कर, देखो सत्ताईस का निकालेंगे अपन। देखो चौबीस से गुणनखंड हो गया अपने पास दो इंटू दो इंटू दो इंटू तीन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक उच्च घात देते क्या? अधिकतम घात। घात क्या लेते हैं? अधिकतम घात देते। देखो इसमें देख बन गए चौबीस एक्स स्क्वायर वाई जेड बराबर, देखो दो की पावर कितनी बन गई? तीन बन गई इंटू तीन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड, मुझे बन गया सत्ताईस, एक्स की पावर चार वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर बन गया तीन की पावर तीन इंटू एक्स की पावर कितनी चार इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। घात क्या लेते हैं? अधिकतम घात देते हैं। इसमें क्या लेते हैं? मैं तो समावर्त में अधिकतम घात, मैं समावर्त। देख दो की पावर तीन है, तीन की पावर तीन, दो की पावर तीन इंटू तीन की पावर तीन, इसमें दो की पावर तीन है तो तीन की पावर तीन है। देखो क्या हो गया? एक्स की पावर चार अधिकतम घात, एक्स की पावर चार इंटू वाई घात दो इंटू जेड की घात कितनी होगी? दो। देखो दो की पावर तीन कितनी होगी? आठ। कितना हो गया? आठ इंटू तीन की पावर तीन कितना? सत्ताईस हो गया इंटू एक्स की पावर चार इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। देखो सत्ताईस को आठ से गुणा करेंगे कितना है? आठ से कितना? छप्पन, छप्पन के जहाँ आठ कितना लगेगा? पाँच, आठ दूनी दस कितना हो गया? देखो आठ सोलह पाँच कितना हो गया? इक्कीस। कितना है? एक्स की पावर चार वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो इसका महत्व समझते कितना है? दो सौ सोलह एक्स की पावर चार वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो अगला एग्जाम्पल देते हैं अपन,
प्लस का दो आगे जाएगा ये एक्स टू पावर चार प्लस एक्स क्यूब माइनस छः एक्स स्क्वायर। देखो अपने पहले इसको ले रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का दो, तो क्या है गुणनखंड क्या देगा अपन को, गुणनखंड देगा क्या देगा दो का समीकरण है उसको किससे सॉल्व करेंगे दो गुणनखंड विधि से देगा, दो का समीकरण किससे गुणनखंड विधि होगा एक पद अंतिम पद प्रथम पद अंतिम पद कितना जिसको गुणांक कितना एक्स का गुणांक कितना एक देगा अचर का गुणांक कितना जो एक को सोचे कितना है दो, तो देखो जो डी का गुणांक है कितना एक्स का गुणांक हो कितना माइनस का तीन देखो तो गुणा करने के दो आने चाहिए दो आने गुणा कितना माइनस का तीन आना चाहिए। देखो जैसे गुणनखंड हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के दो है माइनस के एक्स प्लस का दो, देखो दो को एक से कितना आएगा दो आएगा और दो एक में एक में कितना माइनस का तीन हो गया। देखो ऐसे अपने कॉमन निकाला एक्स कॉमन निकाला तो एक्स माइनस का दो बचा, क्या बचा एक्स माइनस का दो, ऐसे अपने क्या निकाला माइनस का एक कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया एक्स माइनस का दो, तो माइनस बच गया हो गया माइनस का तो अपने पास हो गया एक्स माइनस का वन और एक्स माइनस का दो। देखो अगले देखा अपन को एक्स पावर चार प्लस एक्स क्यू माइनस का छः एक्स स्क्वायर देखा, देखो ऐसे अपने क्या कॉमन निकाला एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो अपने पास बच गया एक्स पावर दो प्लस एक्स माइनस का छः, देखो तो अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का छः हो गया। देखो अपने गुणा करने कितना छः आने चाहिए दोनों करने कितना आ जाइए एक्स का नीचे एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ से अपने एक्स स्क्वायर को निकालते यहाँ पे कितना बचा एक्स पावर कितनी चार थी यहाँ पर दो बची यहाँ पे कितनी एक्स पर यहाँ पे कितना छः बचा तो अपने एक्स स्क्वायर को निकाले घात ए यहाँ पे गुणा करने कितना छः आने चाहिए दो कॉमन निकाला अपने ये बच गया एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का और छः में दो का कितनी बार जाए प्लस का तीन, देखो अपने पास हो गया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस का दो और एक्स प्लस का तीन, देखो एक्स प्लस का दो एक्स माइनस का तीन इसका महत्व समावर्त हो गया अपने पास चार हो गई तो
अपन क्या करते हैं महत्तम समावर्ती में न्यूनतम घात लेते हैं और लघुतम समावर्ती होता क्या होता है लघुतम समावर्ती उसमें क्या लेते हैं उच्चतम घात लेते हैं। देखो अगला देखो घात लेते हैं। अब देखो एलसीएम अपने पास हो
है माइनस का वन और एक्स माइनस का वन हो गया। अपने पास क्या हो गया, मैथ में फॉरवर्ड किया, एक्स स्क्वायर माइनस का वन और एक्स माइनस का वन हो गया। और अपने पास एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ अपने मैथ में फॉरवर्ड किया हो जाएगा अपने पास एक्स माइनस का वन। न्यूनतम घात की न्यूनतम घात क्या है, एक्स माइनस का वन और एक्स स्क्वायर माइनस का वन और एक्स माइनस का वन। देखो सत्यता की जाँच करते हैं अपन। हो गया एक्स प्लस का छ, क्या हो गया अपने पास एक्स प्लस का छ हो गया।
तो यहाँ से निकाला प्लस का दो निकाला, एक्स प्लस का छो देख, एक्स माइनस का सात, एक्स माइनस का सात हो गया था पंद्रह, ये बन गया एक्स प्लस का दो और क्या बन गया एक्स प्लस का छः। देख एक्स माइनस का सात, एक्स प्लस का छः, एक्स प्लस का छः देख, और अपने को लगभग तो ऐसे चलेगा एक्स प्लस, एक्स प्लस का छः देगा तो मैं तो नॉर्मल देख। अपन क्या करते हैं इसको एलसीएम इंटू एचसीएल बराबर दोनों बेंचों को गुणनफल, दोनों बेंचों का दोनों बेंचों का गुणनफल देखो अपन को निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम बराबर हो गया अपने पास दोनों बेंचों का गुणनफल दो की पावर तीन माइनस का उन्नीस की
इंटू दो माइनस का तीन, तो दो की पावर तीन कितनी, आठ माइनस का तीन में कितना हो गया, अड़तीस हो गया माइनस का तीन, नोट इक्वल टू जीरो, ये भी जीरो की बराबर नहीं। देखो एक्स बराबर माइनस का दो रख लीजिए, दो रख लीजिए, देखो माइनस दो की पावर कितनी होगी, तीन होगी, कितनी होगी तीन, माइनस का उन्नीस, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस दो की पावर तीन कितनी, माइनस आठ हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, प्लस में कितना हो गया अड़तीस हो गया, कितना हो गया अड़तीस, माइनस का तीन, देखो प्लस का अड़तीस है, माइनस के तीस है, माइनस के तीस आर कितनी, माइनस का अड़तीस हो गया, माइनस का अड़तीस प्लस के अड़तीस बराबर जीरो, इसके बाद क्या हो गया अपने पास, जीरो के बराबर हो गया। देखो अपने पास हो गया, अगर अपन एक्स माइनस का कितने रखते हैं, दो रखते हैं, तो अपने पास जीरो के बराबर आ रहा है, दो को क्या,